इसराइल और हमास के साथ जारी जंग के बीच इसराइली बलों को हमास समर्थित प्रॉक्सी गुटों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इजरायली सेना गाजा और उसके आसपास के इलाकों में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसे उतना ही पीछे आकर मोर्चे को संभालना पड़ रहा है। इसराइल हमास के साथ साथ ईरान, इराक, लेबनान के साथ भी जंग में भिड़ा हुआ है। लेकिन इसराइल जिस तरह से इन प्रॉक्सी गुटों के टॉप कमांडर और लीडर्स को ढेर कर रहा है, उससे इसराइल के दुश्मनों में आए दिन इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में 26 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने ईरानी हमले का जवाब देते हुए उस पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस दौरान इसराइल ने इलाम, खुजिस्तान और तेहरान में ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके साथ ही IDF ने दावा किया था कि उनके इस हमले से ईरान को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में बदले की आग में जल रहा ईरान अब कुछ बड़ा करने की फिराक में है, और ईरान इसराइल पर ऐसा हमला करना चाहता है जिसे उसे संभालने का भी मौका ना मिले। इसराइल ने 26 अक्टूबर के हमले का जवाब देने के लिए ईरान तैयारी कर रहा है, और इस बार उसका अटैक पहले से काफी ज्यादा घातक होगा। ईरान का हमला कैसा होगा, किस हथियार से होगा, ये इसराइल की टेंशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान इस बार बैलिस्टिक मिसाइलों से आगे बढ़ते हुए और ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर इसराइल के खिलाफ करेगा। और इसी कड़ी में एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा किया है। अखबार ने लिखा कि ईरानी और अरब अधिकारियों ने इसराइल पर हमले की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। इन अधिकारियों ने बताया है कि ईरान लगातार इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। वो अपने हमले में ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये हथियार उसकी ओर से पिछले दो हमलों में इस्तेमाल नहीं किए गए थे। ईरान की सेना इस ऑपरेशन में शामिल होगी। अखबार के अलावा ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि ईरान ने इसराइल से बदला लेने की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान में मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी अमेरिका तक भी पहुंच गई है। साथ ही अमेरिकी नेवी की ईरान के करीब तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच सुपर पावर के जंगी बेड़े USS रूजवेल्ट की वॉर जोन में दोबारा वापसी ने वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजा दिया है। लेकिन अब ट्रंप के हाथ में राष्ट्रपति पद की कमान है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर इसराइल हमास के बीच जारी युद्ध पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इसराइल डबल फ्रंट पर दुश्मन को दबोचता जा रहा है। अखबार की इस इंटेल रिपोर्ट पर इसराइल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसराइल भी कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, जिससे मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का संकट पैदा हो गया है। वहीं इसराइल का गाजा पट्टी में हमला लगातार जारी है। इसराइली हमलों में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 44,000 के करीब हो गई है। इसके साथ ही वहां खाने पीने की गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो गई है।